आज नहा नहा करके कौन कौन आया बच्चों? सब नहा कर आए? सब नहा कर आए? बेटा नहा ही नहीं, नहीं नहा ही? हाँ नहा कर आना चाहिए ना बेटा, रोज नहा कर आना चाहिए, कल नहा कर आना, और ड्रेस भी बिल्कुल धुली साफ सुथरी, साफ सफाई, हाथ नीचे रख लो, हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात सुनो, अपन को साफ सुथरा रहना चाहिए या गंदा रहना चाहिए? साफ रहना चाहिए ना, क्यों साफ क्यों रहना चाहिए? साफ रहने से बीमार पड़ते हैं, गंदे रहने से? हाँ अगर साफ सुथरे रहेंगे तो बीमार थोड़ी पड़ेंगे, गंदे रहते हैं तो बीमार पड़ता है। हाँ इसलिए रोज नहाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और नाखून काटने चाहिए, सब पता है आप लोगों को। हाँ और बालों में तेल लगाना चाहिए और कंघी करनी चाहिए, करनी चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, रखनी चाहिए या नहीं? घर को साफ रखना चाहिए, सड़कों को, अपने सामने सड़क है, घर के गलियां हैं, साफ रखनी चाहिए। और स्कूल में गंदा रखना चाहिए या साफ? साफ रखना चाहिए। कचरा इधर उधर फैला हुआ हो तो क्या करना चाहिए? डस्टबिन में डालते हैं? तुम लोग डालते हो? कौन कौन डालता है? सब डालते हो? वेरी गुड, नीचे करो हाथ। तो हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो स्वच्छता में देखो एक पहाड़ा सुनाएंगे, ठीक है? आप लोग साथ में बोलना, बोलोगे? एक बार ताली बजा दो तो। चलो जोर से बोलोगे, ठीक है? दो एकम दो, दो, एकम दो। हाथ रगड़ के धो, हाथ रगड़ के धो। दो दूनी चार, दो दूनी चार। सफाई से करो प्यार, सफाई से करो प्यार। दो तिया छह, दो तिया छह। स्वच्छता की जय, स्वच्छता की जय। दो चौक आठ, दो चौक आठ। नाखूनों को काट, नाखूनों को काट। दो पंजे दस, दो पंजे दस। दांतों को करो ब्रश, दांतों को करो ब्रश। दो चिंग बारह, दो चिंगे बारह। स्वच्छ स्कूल हमारा, स्वच्छ स्कूल हमारा। दो सत्ते चौदह, दो सत्ते चौदह। एक लगाओ पौधा, एक लगाओ पौधा। दो अट्ठे सोलह, दो अट्ठे सोलह। साफ रखो चोला, साफ रखो चोला। दो नम अठारह, दो नम अठारह। स्वच्छ गांव का नारा, स्वच्छ गांव का नारा। दो भाई बीस, डॉक्टर की बच्चे फीस, आया समझ गए? अच्छा है जी। क्या समझे तुम लोग? कि हाथों को रगड़ रगड़ के धोना चाहिए, गंदगी होती है ना कितनी हाथों में, नाखूनों में मैल भरा होता है, गंदगी भरी होती है, खाना खाते हैं तो गंदगी पेट में जाती है, फिर बीमार पड़ सकते हैं। और सफाई से दो दूनी चार, सफाई से करो प्यार, ठीक है? घर की भी सफाई, बाहर की भी सफाई, स्कूल की भी सफाई, अपनी खुद की सफाई, ऐसा समझ लो जी। अच्छा एक इसमें एक मैंने बोला था, साफ रखो चोला बोला था जी। तो क्या होता है चोला? क्या होता है? क्या होता है? कपड़े। हाँ समझ में आया बच्चों को, है ना? कपड़ों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, चोला मतलब कपड़े, ठीक है? तो ये सारा समझ में आया कि हमें क्या करना है, हमेशा साफ सुथरा रहना है, हमारे घर के पास भी सफाई रखनी है और पड़ोस में भी सफाई रखनी है। चलो ताली बजा दो।